टेलमी uh, yes, तो फीलिंगलीम चेंज किया और लास्ट टेन डेज से वो राइड कर रहा है तो मुझे इतना उसमें नजर आया। मतलब उसे ना मॉर्निंग में उठाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती थी बट लास्ट फोर डेज ना वो मेरे साथ सिक्स ओ क्लॉक उठ रहा है सेवन ओ क्लॉक सन को वाटर दे रहा है और फिर सेवन थर्टी तैयार हो के बैठ रहा है मतलब ये बहुत ही बड़ा चेंज है मेरे लिए क्योंकि पिछले आठ नौ साल से मैं उसको कोशिश कर रही थी कि जल्दी उठो जल्दी उठो सूरज को पानी दो तो जैसे उसने नेम स्टार्ट किया ना लिखना मुझे ये चेंज नोट हुआ और दूसरी बात ये कि वो खुद बोल रहा है कि जब से उसे ओरा बूस्टर दिया है ना मैंने तो ही मतलब फाइंडिंग द वेरी मच पॉजिटिविटी कि देखो हर बार क्या होता था कुछ भी हो जाए स्कूल में या फिर एकेडमी में ना निगेटिव प्लेस में वो मिलता था मारा मारी हो जाए झगड़े हो जाए तो हाँ ईशा यू वेयर देयर तो हर बार वो ब्लेम गेम में फंस जाता था तो खुद ही बोला कि मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ जब से वो रहा आया है कि मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है ऐसे वाह ग्रेट ग्रेट सब लोग बोलिए रोहिणी को एंड रोहिणी जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है तो ही यू you नो know, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है हाँ वो मुझे आज बोल रहा था कि मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि मैं चेयर से ऐसे पीछे जा रहा हूँ मतलब उसका बॉडी का कंट्रोल नहीं रह रहा था उस पर होने के उसने मुझे बोला कि मैं ऐसे लाइक मेरा पूरा बॉडी स्टिल हो रहा था और ऐसे लग रहा था मैं गिर रहा हूँ बहुत बहुत मुझे उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी और वो इतने अच्छे से दिल लगा के मेडिटेशन कर रहा है तो मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि ऐसे बच्चे आ जाए ना मेडिटेशन करने तो उनको लाइफ में एक अच्छी दिशा मिल जाएगी और अपने फोकस को पालेंगे दोबारा से ये बहुत so, मैम क्योंकि जब से मैंने उसका लोशी पीड़ बनाया मैं उसे बोल रही थी ना मेडिटेशन करना है मैंने बहुत कोशिश की थी उसे यूट्यूब से लगा के ये करके वो कर नहीं रहा था लेकिन

हम लोग जनवरी के महीने में भी गणपति की मनाते हैं देखिए चतुर्थी दिन ही बुद्ध देव का है गणपति का है और कल बुधवार आ गया तो बहुत ही ऑस्पिशियस संयोग बन रहे हैं बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है तो सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि बहुत कुछ है आज मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और इसके रिजल्ट अमेजिंग आप लोगों को मिलेंगे क्योंकि टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज हैं आप लोग जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं इन रेमेडीज को हमेशा के लिए अपनी एक बुकलेट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको काम आएंगी ये आपको हमेशा काम आएंगी करवा चौथ तो है ही ऑस्पिशियस उसके अलावा भी आपकी लाइफ में काम आएंगी एम आई ऑडिबल परविंदर जी कह रहे हैं मैं थोड़ा स्लो हूं मेरी आवाज ऑडिबल है ठीक है परविंदर जी मे भी आपके वहां थोड़ा सा दिक्कत हो और सब लोगों को मैं बोलूंगी वीडियो ऑन कर लीजिए अनामिका प्रीति बवेजा योगिता पाटिल पलक मिश्रा दीपिका दास धर्मवीर जी पुष्पेंद्र मीना मेहता प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए आई रियली वांटेड टू सी यू ऑल अच्छा लगेगा अगर आप लोगों की सियाली अगर आप भी कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि आज के इस वर्कशॉप को आज को इस वेबिनार को आप इसे वेबिनार समझ लीजिए आप इसे चौथ की रेमेडी का सेशन समझ लीजिए समवेयर एल्स चेंज माई चेयर और ये सब चीजें मैं आपको भी बोलूंगी डोंट चेंज यूर चेयर आपकी चेयर जो होती है ना चार्ज हो जाती है जब आप उस पर बैठ के लगातार काम करते हैं ना सो दिस इज अ दिस इज अडवाइस फ्रॉम माई साइड टू माई ऑल द प्रीमियम में आर इन ओकल्ड फील्ड वेदर यू आर कनेक्टेड टू मी और नॉट अपनी चेयर एक ही रखिए एंड डोंट डोन्नी बडी टू सिट ऑन दैट चेयर बिकॉज योर एनर्जी एंड देयर एनर्जी कैन बी डिफरेंट मे बी यू आर वेजिटेरियन यू आर फॉलोइंग फॉलोइंग रिचुअल्स एंड दे आर नॉट सो डोंट अलाउ एल्स टू सिट ऑन योर चेयर बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी अस्पेशियस वेरी एस्पेशियस कभी कभी आप कभी कभी आपको जो रेमेडीज आ जाती है ना कहीं से पड़ी नहीं होती इंट्यूटिव आ जाती है बिकॉज आपकी गद्दी आपका आसन आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली गाइड कर देता है तो नेवर शेयर योर चेयर इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ड विद एनी वन ठीक है जी आज की वीडियो यूट्यूब पर जाएगी कोशिश करूंगी कि जाए ठीक है जी बिल्कुल कोशिश करूंगी उसका फर्स्ट पोर्शन जहां तक मैं रेमेडियल पार्ट दे रही हूँ वहां तक जाएगी और वेबिनार में बने रहिएगा लास्ट तक यंत्रा मंत्रा की बात भी मैं करूंगी कोर्स आने वाला है उसकी बात भी करूंगी और बहुत सारी बहुत सारी अबंडेंस की रेमेडीज दूंगी देखिए ये जो दिन होते हैं ना आप सोचिए से शुरू होता है एक्चुअली तो नवरात्रा से शुरू हो जाते हैं तो ये जो पहले नवरात्रास आते हैं फिर रामनवमी विजयदक्षमी उसके बाद हर एक त्योहार आता जाता है जिसमे की चौथ है फिर ओहि अष्टमी आएगा अभी चतुर्थी को हम चतुर्थी तिथि को हम करवा चौथ मनाते हैं तो फिर अष्टमी के दिन आठवें दिन हम हो ही अष्टमी मनाते हैं ठीक है ना और उसके बाद एक एक करके हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं तेरस धन तेरस से शुरू होता है नक, नरक चतुर्दशी फिर दीपावली फिर उसके बाद जो होता है भैया दूज भी आता है तो इस तरह से सारे त्योहारों के दिन आते हैं और दूज पे समापन होता है एक तरह से इन सारे खूबसूरत दिनों का लेकिन एक चीज होती है दूज के बाद भी वो क्या है वो है कार्तिक का महीना ये कंटिन्यूटी में है अभी अमावस्या के बाद अगली पूर्णिमा तक कार्तिक का महीना चलता है तो इन दिन दिनों का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट उठाइएगा जो जो रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ देखिए ये रेमेडीज किसी भी धर्म से परे हैं किसी भी कल्चर से परे हैं आपके यहाँ कब कार्तिक माना जाता है कब नहीं माना जाता इन सब चीजों से ये चीजें परे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम मंत्र कर रहे हैं और मंत्र किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी पल किया जा सकता है बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब हम कार्तिक में करते हैं मंत्र तो उसका जो फल है हमें कई गुना मिलता है है ना तो चलिए आज की रेमेडी शेयर करती हूँ तो हु ऑल आर रेडी टू टेक करवा तो किसने किसने मेहंदी लगाई है पहले अपने हाथ दिखाइए सब लोग किसने किसने लगाई है अच्छा चारू चित्रा जी ने लगा दी दिव्या अभी नहीं लगाई अमृता नहीं लगाई ये आप में होता नहीं है जी जी अभी अभी लगवाई है अभी अभी, अभी ऐसे छांट के बैठी हूं जी आज लगाएंगे आप ठीक है so, सो मेहंदी जिन्होंने लगाई है चारू जी की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है आप सब लोग देख लीजिए उनकी मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए चारू दिखाइए दिखाइए अपनी मेहंदी यस ग्रेट ग्रेट बहुत ही बढ़िया सो so, और जिसने लगाई है सब लोग दिखा सकते हैं अपने हाथ नीरज जी आपने भी लगा दी है तो दिखा दीजिए जी बहुत बढ़िया रोहिणी आप लोगों में लगवाते हैं लगा दी है आपने भी चलिए ग्रेट तो कितना खूबसूरत त्योहार है ये जब हाथों में मेहंदी रची जाती है मेहंदी अपने आप में ही आप लोगों को पता हो तो शीतलता देने वाली एक चीज है यू नो माइंड बॉडी सोल को ये ठंडक देती है और आप देखिए कि मेहंदी लगाने के बाद ठंड भी लगती है और ऐसा माना जाता है रचती उसके हाथों में है इसका हम लोग हस्बैंड से प्यार वाइफ से प्यार सासू माँ से प्यार ऐसी बातें करते हैं ठीक है तो क्या कहते हैं कि हस्बैंड से प्यार हो तो रच जाती है सास से प्यार हो तो हल्की रहती है पता नहीं क्या जो भी है जो भी कोई मानता अच्छा ही मानता है लेकिन एक्चुअली हमारे ब्लड में जितनी हीट होती है उसके हिसाब से मेहंदी का कलर आता है अगर आपका होमोग्लोबिन अच्छा है आपके शरीर में तो आपकी मेहंदी ज्यादा रचती है ठीक है और फिर वो भी डिपेंड करता है कि लगाने वाले ने डाल क्या दिया है उसमें वो चीजें भी मैटर करती है एक दिन के लिए तो वो काली गाली हो जाती है अगले दिन समझ आता है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा डाला गया है जो हाथों को भी सॉफ्टनेस हाथों की खत्म कर देता है जी कोशिश करूंगी निधि जी कि ये सेशन मिल जाए और अगर ये YouTube पर डलता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसे शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें तीन चार रेमेडीज ऐसी हैं जो टूटते हुए घरों को बचा सकती हैं कल के दिन में ठीक बहुत ही पावरफुल रेमेडीज हैं जो आपके नोन में कोई रिश्तों में स्ट्रगल कर रहा है और करवा चौथ का दिन आया है जो है ही पति पत्नी के प्यार का और आया है बुधवार को चतुर्थी वैसे ही गणपति का दिन होता है और चतुर्थी कल बुधवार के दिन ही हमारा ये त्योहार पड़ा है तो बहुत सारी रेमेडीज देने वाली हूं तो स्टार्ट कीजिए लिखना ये रेमेडीज आप लोगों के काम आने वाली है तो पहली तो कल बुधवार का दिन है पहले आप जब सुबह उठते हैं आप जो भी आपके यहाँ का रिचुअल है बिल्कुल वैसा ही फॉलो कीजिएगा किसी के कहने से किसी के देखने से किसी के बोलने से अपने घर के रिचुअल मत चेंज कीजिएगा ये रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिए हैं हम किसी भी कीमत पे उन्हें चेंज नहीं करेंगे कि सविता गुप्ता क्या बोल रही है यूट्यूब पे या कोई और क्या बोल रहा है रिचुअल वही होने चाहिए जो फैमिली ट्रेडिशन है पहली बात दूसरी बात कल गणेश जी को आपके यहाँ जो भी रिचुअल है सुबह पूजा करने का रिचुअल है तो गणेश जी को जरूर याद कीजिएगा और उन्हें दुर्वा और आप उन्हें भोग में लड्डू जरूर चढ़ा दीजिएगा क्योंकि कल बुधवार का दिन आया है आप कब चढ़ा सकते हैं तो मैं बहुत सिंपल चीजों में बिलीव करती हूँ कल पूरा दिन कभी भी चढ़ा दीजिए अभी वेबिनार रात को हो रहा है लड्डू नहीं है सुबह खरीदे जाएंगे जब भी खरीदे जाएंगे आप तब चढ़ा दीजिएगा जो आपका कन्वीनियंस लेवल है बस चढ़ा दीजिएगा चढ़ा दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल गणपति जी का दिन है ये पहली रेमेडी मैंने आपको बताई है विघ्न हरता है हर तरह की प्रॉब्लम्स को रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं शुभ लाभ देने वाले हैं और आई अपने दिन है उनका बुधवार दिन है और अगर हस्बैंड के व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही है तो कल के दिन ये करने से वाइफ अगर कल के दिन ये करेगी गणपति जी के लिए तो उनके व्यापार में भी क्योंकि बुद बुद्धि है बुद विवेक है तो बुद है विवेक तो व्यापार भी एस्ट्रोलॉजी में तो उनके व्यापार में भी बहुत सारी विघन बाधाएं दूर हो जाएंगी अगर वो ऐसी कोई बाधाएं फेस कर रहे हैं ठीक है तो चलिए लिख लिए हो आपने तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉज देकर करूंगी कि आप लिख लीजिए लिखने का तरीका बहुत सिंपल है गणपति जी प्लस दुर्वा प्लस भोग के लड्डू दैट्स ऑल दिस इज द रेमेडी कैन बी डन एनी एनी टाइम डे मंदिर के जो खुलने और बंद होने के टाइम है उनको फॉलो करते हुए ठीक है अब दूसरी रेमेडी जो मैं देने वाली हूं आगे तीन रेमेडीज जो मैं आपको दूंगी वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए होंगी देखिए कल की फास्टिंग ही इसलिए की जाती है कि हमारे हस्बैंड की लाइफ बड़ी हो जाए ठीक है लंबी उम्र पाए वो और हमारा साथ उनके साथ हमेशा बना रहे ठीक है अब जो भी कपल कपल हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो अगर उनको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो कल आप लोग ये रेमेडी करेंगे एक बांसुरी लकड़ी की मिल जाए अगर आपको उसपे दो मोर के पंख बांधने आपने एक के ऊपर एक मैं आपको उसको ड्रॉ करके बता देती हूं अगर हो तो एक्चुअली मैं चाहती थी पिक्चर शेयर करूं बट होता क्या है कि कई बार आप लोग इतने लेट घर पहुंची मैं अभी लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ वो भी उतना ही आपको कन्वीनियंट दिखेगा ठीक है ये देखिए सपोज कीजिए ये बांसुरी है ये बांसुरी है तो इसके ऊपर एक मोर का पंख और इसके साथ दूसरा मोर का पंख इस तरह से या एक मोर का पंख और इसके ऊपर दूसरा मोर का पंख आप इसकी स्टिक होगी डंडी होगी और लाल धागे से लाल रिबन से बांध लीजिएगा दो मोर के पंख बांधने हैं ठीक है आई एम गुड एट ड्रॉइंग बट जब यहां ड्रॉ करते हैं तो स्क्रीन स्ट्रेट होती है ये एक एक मोर का पंख दूसरे वाले की डंडी थोड़ी बड़ी ले ली और एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए दो मोर के पंख आपने बांधने हैं रेड कलर के रिबन से के के ऊपर और ये आपने उस कपल बेडरूम में बंधा बांध देना है कहाँ बांधना है जहां वो सोते हैं बेड की साइड में बंध जाए रूम के किसी कॉर्नर में बांध दीजिए डोर के ऊपर नहीं बांधना जहां रूम खुलता है उस डोर के ऊपर नहीं बांधना है ठीक है जहां वो सोते हैं बेड के किसी कॉर्नर में बांध दीजिए अलमारी के अंदर बांध दीजिए कहीं पे भी बांध दीजिए ये उनके प्यार को देखिए बांसुरी क्या है एक तो श्री कृष्ण है बांसुरी में और श्री कृष्ण का प्रेम सबको पता है ठीक है और दूसरी ये बांसुरी जो है बचती है सिर्फ मिठास है इसमें और मोर पंख इससे ज्यादा ऑस्पिशियस चीज दुनिया में कुछ है नहीं तो आपके रिश्तों में ऑस्पिशियसनेस आपके रिश्तों में बहुत खुशबू आपके रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी जिनको भी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं जिनका भी बात बात में वाइफ का झगड़ा होता रहता है वो ये उपाय कर सकते हैं बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे हाँ अब एक चीज है कि आप लोगों ने क्या किया अगर कल बांसुरी नहीं मिली अब क्वेश्चन आ सकता है ये कि कल बांसुरी नहीं मिली मैम आप अभी रात को वेबिनार कर रहे हैं मोर पंख तो फिर भी शायद मिल जाए मेरे कहने से प्रीमियम ने तो घर में रखे होंगे तो क्या करें कोई नहीं गूगल से एक बांसुरी और मोर पंख की पिक्चर निकाल लेना और कल के दिन वही चिपका देना और फिर पूर्णिमा आने वाली है अमावस्या के बाद या इन्हीं दिनों में कभी भी दिवाली से पहले इन्हीं दिनों में कभी भी आपको बांसुरी और पंख मिले लगवा दीजिएगा लेकिन कल के दिन एक चाहे पिक्चर लगानी पड़े आप लगा दीजिएगा ठीक है सो इजी गोइंग मैंने आप लोगों को कर दिया बिकॉज मैं खुद बहुत इजी पर्सन हूं मेरे को वो वाले रिचुअल्स नहीं समझ आते हैं जहां पे मैं आपको बंदिश में डाल दू ना तो मैं भगवान के साथ बंदिश में डलती हूँ और ना ही मैं रिचुअल्स के साथ बंदिश में डलती हूँ आपकी इंटेंशन काम करती हैं आपके भाव काम करते हैं वहां लगी हुई एक फोटो भी काम कर जाएगी अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं लगाते हुए इंटेंशन देने हैं हर रेमेडी काम तब करती है जब आप उसे इंटेंशन देते हैं आप उस रेमेडी से चाह क्या रहे हैं अगर आप उस रेमेडी से चाह रहे हैं कि वो आपके रिश्तों को सुधार दे तो इंटेंशन दीजिएगा कि थैंक यू मैं आपको लगा रही हूं और आप मेरे रिश्तों को सुधारने में जरूर मदद करेंगे ऐसी मेरी आशा है ठीक है ये कर दीजिएगा अगर आपके घर में ऑलरेडी है यू कैन यूज द सेम फ्लूट, यू कैन यूज द सेम पिकॉक फेदर्स अगर नहीं है गो एंड बाय द न्यू वन फैदस भी नहीं ले लीजिए अगर घर में अवेलेबल है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है उसको यूज करने में ठीक है सो सिंपल लाइफ इजी है लाइफ को इजी ही बना के रखेंगे ठीक है लिख लिया आप लोगों ने लिख लिया जी मीनाक्षी बिल्कुल अपने कबड़ में रख सकते हैं बट आपके बेडरूम के डोर के ऊपर नहीं लगानी है उसका कोई रीजन है उसके ऊपर नहीं लगानी है बेड के कॉर्नर के किसी भी बेड के कॉर्नर में लगा सकते हैं ठीक है ये एक रेमेडी दे दी मैंने अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी और आपके हस्बैंड की भी उम्र लंबी हो तो कल शिव पार्वती की पूजा की जाती है क्योंकि कपल में उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता है या विष्णु नारायण विष्णु लक्ष्मी है या शक्ति है शिव शक्ति तो कल आप क्या करेंगे दो रूई की लंबी बाती बनाइएगा हम ऐसे करके बनाते हैं वो लंबी होनी चाहिए जो हम रेडीमेड गोल वाली लेते हैं हमें वो नहीं चाहिए ध्यान से सुनिए बाती पतली पतली लंबी बनाइए एक शिव के नाम की एक शक, शक्ति के नाम की एक शिव के नाम की एक शक्ति के नाम की गॉड ब्लेस अब जिसने भी ये रेमेडी लिखी थी कि वो सेपरेटेड है अभी तो क्या कर सकते हैं उनके लिए उनके लिए ये रेमेडी बहुत काम आएगी जो भी करना चाहे जो भी इंटरेस्टेड है वो रिकंसिलेशन में उनके लिए ये रेमेडी दे रही हूं पूर्णिमा जी हस्बैंड वाइफ में जो भी इंटरेस्टेड है अपने रिश्ते को सुधारने में वो जाएगा मंदिर अदरवाइज दोनों कपल जाएंगे अगर वो आपस में झगड़े भी हुए हैं लेकिन अगर वो जाके ये काम कर देते हैं तो उनकी लाइफ में ना केवल ब्लेसिंग्स मिलेंगी शिव पार्वती की बल्कि उनको हर लाइफ के हर काम उनके बनने लगेंगे इकट्ठे जाके करने से और इकट्ठे जा नहीं सकते एनी रीजन इस सब कहीं दूर है हम हैं तो कोई बात नहीं जो भी एक जलाएगा अगर वाइफ दूर है हस्बैंड पास है वो सेकेंड को विजुलाइज करेगा अपने साथ उनका नाम लेके ठीक है विजुलाइज करेगा कि हम दोनों इकट्ठे जला रहे हैं आपने जो दो बाती बनाई है देसी घी का दिया जलाएंगे जब दो बाती बना ली तो फिर दोनों बातियों को इकट्ठा रोल कीजिए शिव और शक्ति को आप इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इस दिए को आप शिव मंदिर में जाकर जला के आइए कब जलाना है एनी टाइम ऑफ द डे बस जलाना जरूर है ठीक है जलाना जरूर है दोनों अलग अलग बातियां ली फिर बाद में उन दोनों को इकट्ठा रोल किया और एज्यूम किया कि शिव और शक्ति यू नो यू आर उन दोनों को मिला रहे हैं आप उनकी शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं न शिव के बिना शक्ति है और ना शक्ति के बिना शिव है साथ साथ माँ पार्वती को श्रृंगार भी अर्पित करके आइएगा क्योंकि हम जो है यू नो वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी ऑलवेज ऑलवेज ये ब्लेसिंग माँ से हम चाहते हैं कि हमारा सुहाग हमेशा बना रहे ठीक है।, है तो सेम चीज हम उन्हें ऑफर करके आएंगे सिंगार का सामान क्या होगा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो एक बिंदी मेहंदी एक छोटी सी चुन्नी यू you नो know, कुछ भी हो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चढ़ाइए ठीक है और दिया जला के आइए ये काम करके आइए और आपके मन में जो सुकून आएगा और जो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन में है आजकल आजकल ये भी बताना बहुत जरूरी हो गया मुझे लगता है आजकल मैरिड कपल से ज्यादा मुझे फोन इसके लिए आते हैं इस रेमेडी के लिए आते हैं तो वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं मैरिड कपल के अलावा भी अगर उनका आपस में नहीं हो रहा एंड दे वांट टू कंसाइल कोई भी अटकने आ रही हैं देखिए शिव पार्वती को मिलने में भी बहुत सारी विघन बाधाएं आई थी ठीक है ना तो वो भी ये दिया जला सकते हैं अब दिया जलाने से पहले इंटेंशन जरूर दीजिएगा कोई भी रेमेडी कर रहे हैं रेमेडी से चाह क्या रहे हैं वो इंटेंशन जरूर दीजिएगा चाहे ये कह दीजिए कि मैं ये दिया जला रही हूं कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे हम दोनों का प्रेम आपस में बना रहे हम दोनों अपनी जिम्मेवार को मिलकर आदि से अंत तक पूरा करें ठीक है क्योंकि हर एक घर की हर एक घर की लाइफ में हस्बैंड वाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो हर कोई चाहता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम एज अ कपल ही पूरी करें है ना अगर हमें ईश्वर ने बच्चे दिए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम एज अ कपल पूरा करें तो ये चीज आप करके आएंगे ठीक है आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छा है मैम किसी और कपल के लिए हम कर सकते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको नहीं पता उस कपल की क्या इंटेंशन है ठीक है ना आप अपने लिए कीजिए कभी भी रेमेडी एक माँ सिर्फ रेमेडी में जो प्रॉक्सी अलाउड है एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है आप किसी कपल के लिए नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते या घर की लेडी अपने घर के लिए घर के किसी सदस्य के लिए कर सकती है लेकिन किसी और कपल के लिए नहीं कर सकते लेकिन यही कहीं आप माँ हैं और आपके बच्चों में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है मैरिड बच्चों में तो आप उनके नाम से कर सकते हैं क्योंकि माँ कर सकती है कि आपके बच्चों में कोई इश्यू चल रहा है मैरिड लाइफ में और आप बच्चे नहीं मान रहे करने के लिए तो एक माँ अच्छी इंटेंशंस देकर कर सकती है सिर्फ ये चीज एक माँ को अलाउड है ठीक है अगर आपके यहाँ माँ पार्वती जी का मंदिर नहीं है तो आप माँ पार्वती जी को अपने घर के मंदिर में ही मानसिक रूप से जला दीजिएगा क्योंकि मानसिक भी उतना ही काम करता है ठीक है देखिए कल माँ काली की पूजा नहीं होती है तो काली माँ को नहीं बुलाया जाता कल माँ पार्वती को ही बुलाया जाता है उनके उसी रूप की पूजा की पूजा जाती है ठीक है जी शिवजी जी शिवजी के मंदिर में ही जाके मीनाक्षी जी कर दीजिए वो दिया शिवजी जी के मंदिर में ही जलाना है ये बाती वाला ये आपको घर में नहीं जलाना ये घर में वो जला सकते हैं जिनके आसपास शिव मंदिर है ही नहीं तो वो अज्यूम कर ले कि वो शिवलिंग पे जला रहे हैं अदरवाइज आप प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पे ही चढ़ा के आएंगे और श्रृंगार भी मंदिर में उसी जगह चला के आएंगे ठीक है जी सो so, अभी तक अगर आप सबको ये रेमेडीज क्लियर हुई हैं तो एक बार मुझे येस लिख दीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट रेमेडीज दे पाऊ ठीक है आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो लोग अभी अवेलेबल नहीं है इस वेबिनार में और उनके रिलेशनशिप आप जानते हैं कि उनको रिलेशनशिप में इश्यूज है यू कैन शेयर द रेमेडीज यू नो यू कैन शेयर द रेमेडीज बट यू कैन नॉट डू ऑन देयर बिहाफ टिल द टाइम यू आर अ मदर जी अब शिव मंदिर तो आपने जाना ही है सब लोगों ने दिया जलाने जिनके घर के पास है तो कल आप जब शिव मंदिर जाएंगे ना तो स्टील के लोटे में जब आप दूध डालते हैं आप गंगा जल डालते हैं या नॉर्मल पानी डालते हैं तो उसमें केसर भी डालिएगा कि केसर डालने से क्या होने वाला है ये बताऊंगी आपको केसर डालेंगे आप तो आपके हस्बैंड की लाइफ से धन की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में जो भी स्ट्रगल है ऑब्स्टेकल्स हैं आप ये इंटेंशन दे के जल अर्पित कीजिएगा कि ईश्वर उनके जीवन से ये ये प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए उनके जीवन में उनके व्यापार को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है ये दूर कर दीजिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जाके जल भी चढ़ाए और दिया भी जलाए और तब वाइफ जो है श्रृंगार का सामान अर्पित करे नथिंग लाइक इट नथिंग लाइक इट बट अगर कोई दिक्कत है नहीं है हस्बैंड पास में नहीं है वाइफ पास में तो सिंगल भी कर लीजिए मानसिक कर लीजिए उनका नाम लेके कर लीजिए साथ में तो भी उतना ही फल मिलने वाला है ठीक है मंस रिपीट मैम मोर पंख वाली एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज ओके व्हाट टू डू ऑन शिवलिंग इज इट सेम बाती रेमेडी यस इज द सेम बाती रेमेडी तो आपको एक्चुअल में करना क्या है कंफ्यूजन ना हो कल आपको शिव मंदिर जाना है जहां पे शिव लिंग स्थापित होते हैं जहां पे पार्वती मैया भी प्रेजेंट होती हैं। तो पहली रेमेडी के तौर पे आप स्टील के लोटे में दूध गंगा जल और केसर डाल के शिव जी का अभिषेक करेंगे ठीक है और इसके बाद आप वो दो बत्ती वाला दिया इंटेंशन दे जलाएंगे और इसके साथ साथ आप माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे तो ये सारी तीनों चीजें एक ही जगह पे हो जाएंगी तीन रेमेडीज पर तीनों की तीनों बहुत पावरफुल है आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं आप उन्हें बता के करेंगे कि आप चाह क्या रहे हैं उनसे एक बच्चा भी जब तक हमें कुछ कहता नहीं है हम मां है हम ये तो समझ रहे हैं कि उसे कुछ जरूरत है लेकिन क्या चाहिए हम पूछते हैं ना दस बार क्यों रो रहा है चाहिए क्या बोलते हैं ना तो ईश्वर भी यही कह रहे तू आया है तुझे चाहिए क्या तो अपनी इंटेंशन दे के आइएगा मैं यहाँ आया हूं क्योंकि मुझे आपसे ये चाहिए कलर ऑफ द बाती व्हाइट बत्ती जो होती है इसमें ऑरेंज व्हाइट कुछ नहीं रूई की बत्ती बनती है जो हाँ जी हस्बैंड कर सकते हैं ये पूजा कोई इशू नहीं है पूर्णिमा कोई इशू नहीं है ठीक है तो कल जब मंदिर जाएंगे देखिए जो मैंने पहली रेमेडी दी थी गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाने हैं तो एक ही बार आप मंदिर गए आपकी सारी रेमेडी हो गई गणेश जी को आपने दुर्वा और लड्डू चढ़ाए गणपति जी इसके बाद आपने उनके मंत्र जाप करना चाहते हैं ओम गण गणपते नमः क्योंकि कल दिन भी उनका है और चतुर्थी दिन वैसे भी उनका ही होता है ठीक है तो ये यहां से भी रेमेडी हो गई फिर शिवजी जी पे आपने जल चढ़ा दिया वो भी रेमेडी हो गई दिया जला दिया दो बाती वाला उसको मिला के एक करके वो भी रेमेडी हो गई श्रृंगार दे दिया वो भी रेमेडी हो गई अब एक रेमेडी जो बांसुरी वाले मैंने बताई थी वो ये था लकड़ी की बांसुरी पे दो मोर पंख लाल रंग के रिबन या लाल रंग की मोली से बांधकर जिसको भी रिलेशनशिप में इशू है वो अपने बेडरूम में लगा सकता है कॉर्नर में शर्त यही है कि दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना बेडरूम के दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहे तो आप किसी आप कि नहीं चाहते कोई देखे तो अपनी कबड़ में लगा दीजिए वो चलेगा लेकिन डोर जो बेडरूम का है उसके ऊपर नहीं लगेगा ठीक है जी पूरी कोशिश करूंगी कि इसे अभी के अभी, अभी अपलोड कर दिया जाए ठीक है इसे अभी के अभी अपलोड कर दिया जाए आप लोगों को दोबारा भी सुनने का मौका या आप इसे शेयर करना चाहें कर दीजिएगा अब एक रेमेडी दूंगी लेकिन इसका मिस यूज कोई नहीं करेगा पहले प्रॉमिस कीजिए पी कीजिए आई नीड प्रॉमिस नो बड़ी विल मिस यूज इट सो मिस यूज इट आई हैव डन माई पार्ट माई कर्मा यहां से डिसकनेक्ट हुआ मैंने पहले आपको प्रिकॉशन दिया है कि आप कोई भी मिस यूज नहीं करेंगे इसका ठीक है आप इसे अपने लिए यूज कीजिए इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशन और बेटर कराना चाहते हैं तब और अगर आपको लगता है शादी को बहुत साल हो गए हैं और वो अट्रैक्शन खत्म हो गया है वो आपस की चाहत खत्म हो गई है उसको बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाने के लिए ये रेमेडी दे रही हूँ जरूर ट्राई कीजिएगा कुछ भी नहीं है इस रेमेडी में लेकिन बहुत कुछ है आपको क्या करना है अपनी किसी पुरानी फोटो को लीजिए वाइफ की एक अच्छे समय की जब आप लोग आ, काफी अच्छे अट्रैक्शन में थे एक दूसरे के लिए उस समय की कोई पिक्चर निकालिए उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करिएगा और उसे अपने बेड साइड टेबल पे लगा दीजिएगा लगाने का मतलब ये नहीं है उस समय आप फ्रेम कराने चाहे खड़ा ही कर दीजिएगा कोई लैम्प है कोई कुछ है परफ्यूम लगा दीजिएगा शुक्र है और शुक्र को एक्टिवेट कीजिएगा आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा अट्रैक्शन पावर बनेगी बहुत बहुत अमेजिंग चीज है अब मैं इसके ऊपर रोज क्वार्ट्स रखने को आपको बोलती बट रोज क्वार्ट्स आपके पास होगा नहीं अभी किसी के पास है तो वो रोज क्वार्ट्स का ब्रसलेट भी जिन्होंने मंगा लिया है वो ब्रेसलेट भी कल के दिन के लिए उस पिक्चर पे रख दीजिएगा दैट विल अगेन मेक अट्रैक्शन बिटवीन यू हजब एंड वाइफ अब इस चीज को मैंने क्यों बोला पहले आपसे आप किसी और का रिलेशन किसी और से करने के चक्कर में इस तरह की इस रेमेडी को ट्राई मत कीजिएगा प्लेजा रोल ठीक है देन कर्मा प्लेजा रोल कोई भी गलत ढंग से इसको नहीं यूज करेगा कि इसका हस्बैंड मेरे साथ मेरा हस्बैंड उसके साथ ऐसा क्योंकि ऐसा मैंने अपने पास्ट में देखा ऐसा हुआ सो so, मैंने इसीलिए प्रिकॉशन दे दी you can improve your relation you cannot break any एनी relation then the karma start पेइंग role कभी किसी के रिश्ते को तोड़वाने की तरफ मत चलिएगा ठीक है तो ये करवा करवाचौथ की ये रेमेडीज हैं और एक और बहुत खूबसूरत रेमेडी है वो एंड में दूंगी और वो सब लोग जितनी भी लेडीज जितने भी जेंट्स यहाँ बैठे हैं वो कर सकते हैं अब मैं बोलूं लेडीज को कि वो छुपा के कर लें पर कितने सारे जेंट्स यहाँ बैठे हैं वो भी तो सुन रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ सो so, या तो मुझे लिखना था ओनली फॉर लेडीज है ना सो so, कोई नहीं का आज आज जो मेन और वुमेन की इक्वालिटी की बात हुई है ना तो कभी कभी मैं भी उतने सफर हैं जितनी वुमेन सफर है सो रेमेडी उनके लिए भी काम कर जाएगी वो भी कर सकते हैं जो जो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहता है बी अ मैन और अ वुमेन वो दोनों कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए रखिए थोड़े दिन के लिए उस पुरानी याद को रखिए देखिए कुछ भी चीज हम पुराने हम अपनी एल्बम कभी गलती से खोल लें अपनी शादी की एल्बम है ना तो हम उसी टाइम में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना ये हुआ था ऐसे हुआ था सो so, वो कनेक्शन ला रहे हैं हम आपका उस कनेक्शन को वापस ला रहे हैं जो आपने लूज कर दिया इतने सालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे भूल गए तो उसे याद कर रहे हैं मेमोराइज कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत दिन थे ठीक है ना आज भी खूबसूरत है बट जिंदगी आगे बढ़ गई बहुत आगे बढ़ गई पता नहीं चला कब जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई जी बेड के साइड टेबल के पास अपनी पुरानी याद हो सकता है आपके हनीमून की कोई फोटो हो बहुत खूबसूरत वो लगा दीजिए आपको मैं बता रही हूँ आप इसको बस करिएगा आप देखिएगा कि आपके जिंदगी में ना एक चांस दोबारा से आएगा जी कैन कपल पिक्चर रेमेडी कैन बी डन आफ्टर करवा चौथ ऑल्सो विश डे अरविंदर जी कल के लिए है ये रेमेडीज लेकिन आप करना चाहें तो दोबारा भी कर लीजिएगा क्योंकि कल देखिए एक रिश्ते को सिग्निफाई करता हुआ दिन है है ना मैं मार्केट गई थी अभी मेहंदी लगाने आई वॉज आई वेंट देर आफ्टर फाइव सिक्स आवर्स चाहे चाहे किसी के रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट हो लेकिन इस रिचुअल को तो करता सब कितनी खुशी से है तो वो खुशियां वापस आने का दिन है ये है ना है ना याद आता है ना दोबारा से वही टाइम मेहंदी लगी थी हाथों में शादी हुई थी सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हर एक दिन हर एक मोमेंट जो जीवन में आ रहा है ना उसे इंजॉय कीजिए पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए लेकिन जो दिन मिला ना उस दिन को खूबसूरती से इंजॉय कीजिए लड़िए भी हमारा वी वी लेडीज आर बॉर्न विद दिस लड़ना तो है ही हमने टॉबल क्यों रखा ऐसा क्यों करते हो ऐसे क्यों खाते हो ऐसे क्यों बैठते हो गाड़ी ऐसे क्यों चलाते हो हम तो हर बात पे लड़ेंगे वो हमारा राइट है तो उतना राइट हमें भगवान ने दिया है वो हम करते रहेंगे ठीक है उसको हम नहीं भूलेंगे कोई भी कुछ भी ठीक नहीं करते हो करते सब कुछ वही है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं करते हो ये तो हमने कहना ही है साडा हक यस दिस इज साडा हक दिस वी एंड दे बिकम सो कम्फर्टेबल विद जिस दिन हम नहीं बोलते तो उस दिन वो भी बोलते हैं बुखार बीमार है, हो कुछ बोला ही नहीं ठीक हो ना वो भी बोल देते हैं मुंह तो नहीं सूझा हुआ सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिश्ता आई थिंक राजेश जी ने क्लाब भी बजा दिया इस दिन आई थिंक एक समय के बाद आपका ये रिश्ता माँ बाप वाले रिश्ते से आपके बच्चों के रिश्तों से बहुत ऊपर उठ जाता है आप कब एक दूसरे के लिए बन जाते हैं पता ही नहीं चलता तो अपने रिश्ते को बचाए रखिएगा जो ईश्वर ने परमात्मा ने दो ये दो जनों को जोड़कर एक घर बनाया है ना वो जैसा भी है जो भी है जो भी जिस रिश्ते में है आप, आप उस रिश्ते को एंजॉय कीजिए यस लाइफ टाइम रिश्ता हो जाता है इतना हम किसी और से लड़ नहीं ले सकते और अगर सही बात आप बताऊं इतनी बात आप अपने सगे भाई को दो बार तीन बार कह देंगे ना तो वो आप पे चिल्लाने लग जाएगा क्या दीदी सारा दिन टोकते ही रहते हो लेकिन वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं ठीक है ना वो सुनता रहता है सही में बता रही हूँ मैं सच बता रही हूँ तो हम उस रिश्ते में कितना ऊपर उठ जाते हैं और यही रिश्ता जिंदगी की सबसे खूबसूरत नींव बनता है क्योंकि यहीं से हमारी फैमिली बनती है यही एक दिन है जब हमें याद आता है कि हमारे लॉकर में एक मंगल सूत्र है जिसे निकाल के लाना है और उसे पहनना है तो आप लोगों को हंसी आ रही होगी क्योंकि यही सच्चाई है यही सच्चाई है हम बड़े प्यार से उन्हें कहते हैं हमें लॉकर जाना है क्यों जाना है वो हमारा मंगल सूत्र पड़ा है हमें वो लाना है <laughs> वो हमें पहनना है कल सो ये चीजें हैं सो ये सारे उपाय ट्राई कीजिएगा जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है आप देखेंगे देखिए कितना कनेक्शन बनता है क्योंकि हम सब एक जैसे हैं हम सब एक जैसे सोचते हैं हम सब एक जैसा खाते हैं हम सब एक जैसा ही बोलते हैं तो यहाँ पे आई वियर इट डेली यस प्रियंका आपके यहाँ नहीं होगा ना हमारे यहाँ तो स्नैचिंग बहुत है हम तो पहनेंगे तो हमें नहीं पता क्या हो जाता है सो so, हम लोग नहीं पहन पाते उतना कैशुअली अगर आपने पहन रखा तो बहुत खूबसूरत बात है ये दाने जो हैं मंगलसूत्र के हमेशा होने चाहिए लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम आया जब आपने पहनना छोड़ दिया रीजन यही था कि स्नैचिंग होने लगी आप जाते थे तो कंफर्टेबल नहीं हो दैट इज द ओनली दू चलिए अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी रेमेडी लास्ट में दूंगी बहुत सारे मेरे अपने ही यहाँ पे प्रिम्य, प्रीमियम मेंबर दिख रहे हैं और जो मेरे प्रीमियम मेंबर नहीं है आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं रेमेडीज भी ले रहे हैं मैं क्या जान सकती हूँ वो कौन कौन है यस yes, लिख दीजिए प्लीज यस लिख दीजिए एक बार यस लिख दीजिए कि यू आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम यस कल्पना भक्ति व्हाट नेम सोनिया सेतिया मयंक और और कौन है जो फर्स्ट टाइम आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और आज लोग आप लोगों ने मिस नहीं किया ग्रेटूट्यूट प्रेयर मेरे अंदर चल रहा है कि मैंने ग्रेजुट्यूट नहीं किया जी गणेश सुभाष सो so, आज आप फर्स्ट लोग मेरे फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच और जिन्होंने नहीं भी लिखा और वो यहाँ ज्वाइन किए हैं वेलकम वेलकम टू माई दिस ब्यूटिफुल वर्कशॉप ऑन एक्चुअल वर्कशॉप थी मंत्र यंत्र मंत्र की लेकिन मैंने उसमें पहले रेमेडी दी करवा चौथ की ताकि मेरे ये जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं अपने रिश्तों को सुधार पाए और जब रिश्ता सुधरता है तो बहुत कुछ जिंदगी में सुधरता है क्योंकि शांति प्रेम एक ऐसा सोर्स है जो माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है जिस घर में क्लेश है जिस घर में रिश्तों में अनबन है उस घर में माँ लक्ष्मी भी टिकती नहीं है तो सबसे पहले रिश्तों को सुधारने की जरूरत है और आज एज अ मदर एज अ वाइफ एज अ गुरु एज अ मेंटर यहां बैठ के कह रही हूं अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपके बच्चे भी उसका फायदा उठाएंगे इसलिए एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए अपने रिश्तों को सुधार के रखिए वेन दे नो पेरेंट्स की बनती नहीं है तो वो उसका उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर आता है रिश्तों को लेकर वो भी अहमियत नहीं देते हैं रिश्तों को फिर और धीरे धीरे वो उसका फायदा भी उठाते हैं तो दोनों चीजें उनके मानसिक उनका मन उनका दिल उनका दिमाग बहुत प्योर होता है ये चीज मत डालिए कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और ये खूबसूरती उन्हें दिखाइए अपने रिश्तों में लड़ना है तब लड़िए जब वो है नहीं उनके सामने एक को चुप हो जाने में ही अच्छा ही है। जी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एथ है नाइन्थ को देखिए दिवाली के ये दिन बहुत खूबसूरत है बहुत ही खूबसूरत है सो आप लोगों के लिए मैं यंत्र एंड मंत्र का एक खूबसूरत कोर्स लेके आई हूं ये कोर्स अपने आप में यंत्रों की और मंत्रों की पावर को दिवाली में किस तरह से अमेजिंग चेंज आपके लाइफ में आ सकता है साल में एक बार किया जाने वाला ये कोर्स आपके लिए डेडिकेटेड है श्री यंत्र की साधना कैसे करके घर में स्थापित करना है ये भी मैं इस कोर्स में सिखाने वाली हूं तो अगर मैं जल्दी जल्दी से आपको स्लाइड्स दिखाऊं बिकॉज मेरा मन आज यही है कि आप अपने करवा चौथ को पूरा एंजॉय कीजिए जिन्होंने भी मेहंदी लगानी है कुछ शॉपिंग करनी है कीजिए सो so, यंत्र क्या है यंत्र ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं एक कंपोजिशन से बने हुए नंबर से बने हुए चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस बहुत प्रोस्पैरिटी हर तरह के यंत्र हैं हर तरह के मंत्र हैं आप देखिए एक एक मंत्र मैंने आपको बताया कल आप मंत्र कीजिएगा ओम गण गणपते नमः क्योंकि कल का दिन बुधवार का है और मेरे प्रीमियम मेंबर जानते हैं और अब आप अभी तक आप हैबिट डाल चुके होंगे कि जिस भी जिस भी प्लैनेट का डे है उस प्लेनेट को सुबह ही याद करके नमस्कार करना है तो वो प्लेनेट आपकी फेवर में आ जाएगा तो मंत्रों में बहुत शक्ति है ये मैं पिछले कई सालों से देख रही हूं हर एक चीज का इलाज मंत्र में है डिफरेंट टाइप ऑफ यंत्र एंड मंत्र फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम नंबर्स प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती हैं किसी की लाइफ में रिलेशनशिप किसी की लाइफ में हेल्थ किसी के पास बच्चा नहीं है किसी की शादी नहीं हो रही किसी को स्किन इश्यूज हैं किसी के बाल गिरते हैं किसी को जॉब नहीं मिल रही किसी को पैसा नहीं मिल रहा मतलब आप दुनिया में कोई प्रॉब्लम सोचिए उसके यंत्र एन मंत्रों से उसकी रेमेडीज आपको मिल सकती है ठीक है स्पेशल टेक्निक टू यंत्र फॉर मैक्सिमम मनी फ्लो श्री यंत्र क्या है श्री यंत्र टीक के श्री यंत्र आते हैं मेटल के भी आते हैं बट आई प्रेफर स्टीक के। क्योंकि माँ लक्ष्मी की वो प्योरिटी चीज है और वहां पे हम उसकी साधना कैसे करनी है तो हम सिंदूर से कुछ रिचुअल्स करते हैं और फिर उस सिंदूर को इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं जब भी जीवन में आप कहीं फंसते हैं तो वो सिंदूर आपके काम बनाता है और उसके बाद उस श्री यंत्र को घर में कैसे स्थापित करना है ये भी मैं इस यंत्र मंत्र कोर्स में सिखाने वाली हूं पूरा दो दिन का कोर्स होगा आठ बजे शुरू होगा आठ और नौ तारीख को सिखाने के लिए रीजन डेज भी चूज करने को यही था कि उन दिनों में आप ऑस्पिशियसनेस की पीक पे होंगे बहुत सारी चीजें आप उन दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग दस तारीख को क्या है धनतेरस है, है धनतेरस तो आप लोगों की लाइफ में एकादशी और द्वादशी के दिन हम ये कोर्स करेंगे बहुत ही खूबसूरत कोर्स है आप लोग देखिए दिन भी ऐसे चुने गए हैं एकादशी को किए गए यंत्रों मंत्रों की साधना सीखना बहुत ऑस्पिशियस होता है एंड श्री यंत्र इज ओके यस yes, बिल्कुल ओके है आपके पास जो श्री यंत्र है ना घर में जिसके पास भी तो वो उस श्री यंत्र की भी साधना करता है कर सकता है करना कैसे है ये आज तक आपको नहीं अगर पता तो मैं वहां बैठ के सिखाऊंगी फिर वही साधना आप दिवाली की रात अपने घर में करेंगे वही साधना दिवाली मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और फिर वही साधना आप दिवाली की रात करेंगे अभी देखिए जितने भी मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे मेंबर्स थे आ, नेहा जैन जी यहाँ हैं तो हैंड रेस कर ले एक बार नेहा जैन जी अगर आप ज्वाइन किया है प्लीज हैंड रेस कीजिए नेहा जैन आपने रेस किया है अगर जी सो नेहा जैन कुछ बताना चाह रही थी मैं अगर उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो चलिए तो वही साधना हम दिवाली की रात करते हैं और फिर उसे ढंग से अपने मंदिर में एस्टेब्लिश करते हैं हर चीज में एक पावर है हर चीज का एक मतलब है वो हम यहाँ करते हैं ठीक है क्रिस्टल का भी कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है देखिए मैंने क्या बोला मतलब भाव का है मतलब साधना का है मतलब कभी कभी ध्यानु भक्त के बारे में आप सबने सुना है ठीक है ना वो माता के सामने प्रसाद रखते थे कहते थे खाओ 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 और एक दिन माँ को आना ही पड़ा खाने के लिए ठीक है ना तो आपकी भक्ति आपकी भाव आपके इमोशंस कैसे जुड़ते हैं ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तू सोने की थाली में दस पदार्थ लाएगा तभी मैं मानूंगा उसने कहा तू तो भाव से आ जा तो मैं तेरे घर आने लगूंगा ठीक है तो मैं अब आपको यंत्र मंत्र के बारे में बता रही थी ये कोर्स आने वाला है अभी आप लोगों से जानना चाहूंगी इस कोर्स को लेकर कौन कौन बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मुझे लिखिए है यहाँ पे और कौन कौन मेरे प्रीमियम मेंबर्स तो बहुत एक्साइटेड हैं ही जो लोग बाहर के हैं अगर वो सीखना चाहते हैं अगर अगरबत्ती बाले में फिर से बता दीजिए गणपति वाली रेमेडी ओके दीपिका सीखना चाहती हैं एंड दिव्या सीखना चाहती हैं नीतू जी सीखना चाहते हैं और जो लोग नए जुड़े हैं उनमें से कौन कौन लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इसे सच में सीखकर कर अपने जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं देखिए मैंने क्या बोला एकादशी भी श्री कृष्ण विष्णु को डेडिकेटेड है और कार्तिक का महीना है और जिस दिन हम सीखने वाले हैं उस दिन आपके जीवन में चेंज बहुत बड़ा आ जाएगा फर्स्ट डे ही आप देखेंगे कि लाइफ में टर्न आना शुरू हो जाएगा तो विभाजी ओवर एक्साइटेड है एंड and... हंस अब मैं जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं वो तो है ही एक्साइटेड अच्छा प्रीति जी ने लास्ट ईयर मेरे साथ किया था और वो कह रही हैं डन इट इट बट अगेन अगेन वेरी एक्साइटेड टू डू यस प्रीति आपकी आपकी ये चीज लाइफ में बहुत अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी लेके आएगी अब जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी प्लीज मेरे प्रीमियम मेंबर्स मत लिखिएगा अभी मैं उनसे जानना चाहूंगी मैं मैंने भी लास्ट ईयर किया था बहुत बढ़िया रिद्धि थैंक यू एक्साइटेड संतोष जी बहुत एक्साइटेड है और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वेबिनार में आए हैं वो लोग कौन कौन एक्साइटेड हैं वो लिखिए वो लिखिए क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ही करा रही हूँ मैंने आप लोगों को बताया ये दीज आर वेरी बिजी डेज फॉर मी बट स्टिल आई एम डूइंग इट ताकि अगर उसको करके आपके जीवन में चेंज आता है तो जरूर करना चाहिए और बहुत सारी शॉपिंग्स में पैसा लगा रहे हैं आप लोग सबने कर्टन चेंज किए हैं सबने घर में कुशंस नहीं लाए हैं सबने मैट्स नए लाए हैं तो थोड़ा सा पैसा इस यंत्र कीजिए क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है अभी ज्वाइन तो ये पे अपलोड हो जाएगा रेना जी आप वहां से देख लीजिएगा आई कैन नॉट रिपीट रेमेडीज अगेन ठीक है जी तो चलिए मैं दिखाती हूं हम लोग ये स्पेशल टेक्निक टू एस्टेब्लिश यंत्र ये हम सीखेंगे इसमें हम इसमें दिवाली का टाइम बेस्ट टाइम होता है और यंत्रों को बनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर साधना होती है वो साधना मैं आपको सिखाऊंगी और यंत्र आप बना के रख भी सकते हैं आप इन यंत्रों को सेल भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं आप अपनों को भी दे सकते हैं अपनों के लिए भी बना सकते हैं कौन कौन से यंत्र हैं ये पहले मैं आपको ये यंत्र बता देती हूं कि कौन कौन से यंत्र आप मुझसे सीखेंगे जेंट्रा टू सी नॉट टू सी बैड काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज वेल्थ बिजनेस जॉब प्रमोशन डेट्स कर्जा चढ़ा हुआ है पैसे मार्केट से फंसे हुए हैं एपिलिपसी है डायबिटीज को कंट्रोल करना है अपने स्टमक से रिलेटेड जीवन से प्रॉब्लम फेस करते हुए उसको ठीक करना है चाइल्ड की हेल्थ है शॉपकीपर्स के लिए किसी एग्जाम को क्लियर करना है और हरिणिया है ऐसी कोई प्रॉब्लम है यंत्र टू कंप्लीट कोई वर्क जल्दी चाहते हैं जल्दी जल्दी पूरा हो जाए कोई काम आप करवाना चाहते हैं उसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं आपके व्यापार की जगह में या घर में आपके मेड्स या सर्वेंट चोरी करते हैं तो ऐसा कौन सा यंत्र घर में लगा दिया जाए कि वो चोरी ना करें यंत्र फॉर फास्ट मैरिज बहुत लोग पूछते हैं कुछ उपाय है जल्दी शादी हो जाए बहुत ट्राई कर रहे हैं शादी नहीं हो रही तो ये यंत्र आप सीखेंगे ये यंत्र मंत्र कोर्स में यंत्र फॉर लविंग पार्टनर पावरफुल यंत्र फॉर आपके जितने भी जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए लव एंड फ्रेंडशिप बिजनेस एंड वेल्थ के लिए फुलफिलमेंट जॉब व्यापार वृद्धि यंत्र बहुत पावरफुल वास्तु यंत्र जो आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने में हेल्प करेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ख्याति प्राप्ति यानी अगर आप नेम फेम सक्सेस पाना चाहते हैं नजर दोष से बचने का देखिए मैंने कई बार बताया दिवाली का टाइम बहुत अस्पिशियस होता है ना केवल दिवाली की रात आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है ब्लैक मैजिक भी होता है तो ब्लैक मैजिक से बचने का आप यंत्र बनाकर अगर आपने यंत्र बनाकर अपने पूजा के स्थान पे भी रख देंगे तो किसी तरह की नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी अधिक बिक्री या अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं फॉर माउथ पीरियड्स इस तरह से यंत्र टू ओवरकम डिप्रेशन मेंटल टर्मोइल फीवर घर में फीवर हुआ एक यंत्र फटाफट से बनाइए बच्चे के बेड पे या किसी बड़े के बेड साइड पे रख दीजिए पिलो के नीचे रख दीजिए बिल्कुल कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा यंत्रा फॉर स्मॉल पॉक्स यंत्र फॉर क्रॉनिक गैस एंड स्टमक इश्यूज टू क्योर पाइल्स हनिया कोर्ट केसेस लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी बना सकते हैं अकाल भय मृत्यु भय निवारण यंत्र और भी बहुत सारे यंत्र हैं और जितने ये यंत्र हैं उतने ही मंत्रास भी हैं और आप जब यंत्र एंड मंत्रास के कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं और इसके साथ साथ जो बहुत खूबसूरत चीज है वो है श्री यंत्र की साधना लक्ष्मी वास करती हैं हर एक श्री यंत्र में लक्ष्मी खुद वास करती हैं उसमें और उनकी सबसे प्रिय चीज है ये श्री यंत्र श्री महालक्ष्मी का नाम है श्री का यंत्र यानी महालक्ष्मी का यंत्र अगर आपके घर में एक प्रॉपर रिचुअल से स्थापित हो जाता है तो माँ विवश हो जाती हैं स्थाई निवास करने के लिए जिनके घर में पैसा आता है पर रुकता नहीं है जिनके घर में पैसा आता है पर सेविंग्स नहीं होती जिनके घर में पैसे का रेगुलर फ्लो नहीं है उनके लिए श्री यंत्र जो है इस तरह से काम करता है जैसे अलादीन का चिराग हो क्योंकि महालक्ष्मी वहां वास कर जाती हैं। अब आप लोगों से यस सुषमा सुषमा जी आप इंटरेस्टेड हैं, श्री क्रिस्टल का बेस्ट होता है देखिए जो लोग आज पेमेंट कर देंगे अभी तक जितने जुड़ चुके हैं जो लोग आज पेमेंट कर देंगे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अभी और मत सोचिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों को समान बताना है आज मैं आप लोगों को समान बता दूंगी बस ये भी बोलूंगी अगर आपके घर में कोई श्री यंत्र पहले से है आप उसकी साधना भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है श्री यंत्र नया खरीदना है हाँ लेकिन यंत्र बनाने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी वो यंत्र किस तरह से बनाए जाते हैं वो क्लास में सीखेंगे लेकिन सामान आप रेडी रखिएगा चाहे चाहिए आपको दिवाली की रात लेकिन आप मंगा के सेफ हो जाइएगा क्योंकि आजकल दिवाली के दिनों में अमेजोन वगैरह पे भी ऑर्डर लेट मिल रहे हैं ठीक है रीना जी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि यंत्र क्रिस्टल का अच्छा होता है या क्रिस्टल का या फिर अष्ट धातु का श्री यंत्र श्री यंत्र होता है का श्रीयंत्र सबसे बेस्ट माना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अष्टातु का अच्छा नहीं होता अगर आपके पास बहुत सालों से अष्टातु का है कि उसी की साधना कीजिए मतलब है इंटेंशन भाव कैसे दे पा रहे हैं उसकी साधना करनी कैसे है जो वो आपके लिए काम करने लग जाए कोई भी यंत्र कोई भी मंत्र तब काम करता है जब आप उसे काम करने के लिए सिखा देते हैं उसकी सीडिंग कर देते हैं उसकी फीडिंग कर देते हैं तो ये सीडिंग कैसे करनी है यही तो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ तो ये कोर्स आई थिंक कोई नहीं करा रहा है ये कोर्स सिर्फ मैं करा रही हूँ और ये मेरी अपनी रिसर्च भी है मेरा अपना इसके ऊपर साधनाएं भी है, और मैं आपको उन्ही साधनाओं से ये यंत्र और मंत्र दूंगी और ये साल में एक ही बार होता है देन यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट दिवाली नेक्स्ट दिवाली के लिए आपको वेट करना होगा तो मिस मत कीजिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है जो लोगों को हो सकता है कि ऐसा पता हो लेकिन साधना करना अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है और मैं आप मेरी रेमेडी से समझ गए होंगे आई एम इजी गो हैप्पी गो लकी पर्सन आई डोंट बिलीव इन बंधन बांध के दिस शुड बी डन लाइक दिस दिस शुड बी डन लाइक दिस आपके इंटेंशन आपके भाव जगाने की बात है वो मैं जगवाऊंगी ठीक है जी जी तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसीलिए पूछ रही हूँ रीना हाँ रीना आप ले सकते हैं स्टिक का ले लीजिए यंत्रा हमारे पास तांबे के ऊपर बनाया हुआ है क्या वो सही है आई डोंट नो टिल टाइम आई सी आई कैन नॉट से कि वो ठीक है कि नहीं है अभी आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कौन कौन लोग सीखने में इंटरेस्टेड है प्रीमियम मेंबर्स आप लोग हर कोर्स का पार्ट है अभी आप लोग नहीं टाइप करेंगे बाकी मुझे कोई डायरेक्ट भी टाइप नहीं करेगा जो सीखने में इंटरेस्टेड है वो यहाँ लिख दीजिए ताकि मैं उन्हें अमाउंट बता दूं और आज आप अपनी करवा चौथ के एक रात पहले की जो रात है जो आपको तैयारियां करनी है अच्छे से कीजिए अक्षय इंटरेस्टेड हैं और कौन इंटरेस्टेड है रीना जी भक्ति जी और कौन इंटरेस्टेड है मैम प्लीज फी बताइए ना जी मैं आपको स्फीक का भेजूंगी जिन्होंने भी पोटली के लिए ऑर्डर किया है उसमें स्फटीक का आएगा ठीक है उसमें पूरा श्री यंत्री का आएगा मेरे लिए कुछ चैलेंज आ रहा है पैकिंग का ताकि वो आपके पास खंडित ना पहुंचे एक एक चीज को पैक करके अलग अलग मैं आप लोगों को भेज रही हूँ और फिर उन्हें कैसे इकट्ठा करना है वो मैं आपको भेजूंगी मौसमी पैसा कभी भी कंस्ट्रेंट नहीं होता ठीक है यू जस्ट इट एंड यू विल हैव इट जिन्होंने भी पोटलियां ऑर्डर की हैं उनकी पोटलियां रेडी हो जाएंगी कल करवा चौथ के दिन नहीं करूंगी पंचमी तिथि से करूंगी और आप लोगों ने देखा है मैंने उसे बड़ी साधना से बनाया है आपके घर में आएंगी आप लोगों के घर में अबंडेंस आनी ही आनी है इस बात को ध्यान रखिएगा उसे रिसीव भी बहुत प्यार से श्रद्धा से कीजिएगा और जब मैं उसका वेबिनार लूंगी तो आप लोगों को मैं पूरा उसको इकट्ठा करना सिखाऊंगी ठीक है चलिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूं ये श्री यंत्र की जो प्राइस है इसका प्राइस क्या है ठीक है तो जो लोग करना चाहते हैं तो ये बोनस में मैं मंत्र सिद्धि फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई एक मंत्र दूंगी अलग से ओवरऑल मतलब ये मंत्र तो मैं आपको देने ही वाली हूं ये कैसे श्री यंत्र की साधना दिवाली की रात आपको बेनिफिशियल हो या आपके लिए एज अ बोनस है यंत्र मंत्रा के कोर्स में ठीक है तो व्यापार वृद्धि यंत्र को कैसे बनाना है ये सब कुछ आपको देने वाली हूं तो ये फाइनल प्राइस जो है इसका है थर्टी टू हंड्रेड रुपीज यहां नहीं लिखा गया थर्टी टू हंड्रेड रुपीज एथ एंड नाइन्थ डेट को ये होगा आठ और नौ नवंबर को दो दिन का ये कोर्स होगा आठ बजे शुरू होगा इसे मैं नौ बजे नहीं शुरू करूंगी आठ बजे करूंगी ताकि ढाई तीन घंटे ये कोर्स आप लोग पूरा सीख पाए पहले दिन हम सारे यंत्र सीखेंगे और हो सकता है फर्स्ट डे ही हम श्री यंत्र भी सीख लें सेकंड डे हम सारे मंत्रा सीखेंगे फिर आपको दिवाली की रात के कुछ प्रिकॉशंस और कुछ उपाय भी मैं आप लोगों को दूंगी तो आप लोगों को पेमेंट लिंक आ गए हैं जीपीए पेटीएम आप लोगों को रेजर पे ये सारे लिंक मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वो सेंड कर दें आ चुके हैं और टीम अगर आप इन्हें पिन कर दें तो अच्छा होगा तो जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं अभी कर दीजिए देखिए इसे मैं ज्यादा नहीं बार बार आप लोगों को बोलूंगी ये आपकी साधना है आपको करना है आप आइए कीजिए क्योंकि ना तो इसे कोई करा रहा है ना ही किसी की साधनाएं हैं हम लोग गुरुकुल में बैठ के हमने ये चीजें सीखी हुई हैं हमें पता है इसे कैसे आगे बढ़ाना है नहीं शिविका भाटिया आई एम सॉरी वो नो मोर पोर्टलीस अगर मेरे पास बची हैं तीन चार और नो मोर आई विल नॉट डू एनी वेबिनार जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं दे कैन अप्रोच नाउ ओपन नहीं है बाहर के लोगों के लिए बिकॉज पोर्टलीज आर डन नाउ आई स्टार्ट सेंडिंग दैम अगर किसी को मेरे प्रीमियम मेंबर को चाहिए तो दे कैन सेंड मैसेज उनके लिए मैंने कुछ सेपरेट रखी हुई आउटसाइडर्स के लिए अब नहीं है नो no मोर आउटसाइडर्स बिकॉज वो बहुत चीज है मैं ऑलरेडी काफी ऑर्डर रिसीव कर चुकी हूँ उसके so अभी मैं यंत्र मंत्र की बात कर रही हूँ तो श्री यंत्र को उस पोटली में भी श्री यंत्र है उसकी साधना भी आपको करनी है तो श्री यंत्र की साधना आप लोगों को कैसे करनी है कैसे अपने जीवन में मनी को को बुलाना है ये बहुत खूबसूरत टाइम है तो जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए बहुत बहुत अमेजिंग साइंस है ये बहुत अमेजिंग साइंस है एक मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देगा कोई आपसे पूछता है शादी नहीं हो रही क्या मंत्र है बच्चा नहीं हो रहा क्या मंत्र है हमारे को जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही क्या यंत्र क्या मंत्र है कोर्ट केसेस में फंस गए हैं पैसे नहीं आ रहे हैं कर्जा चढ़ गया है हेल्थ में इश्यूज हैं जीवन में स्ट्रगल्स हैं इन सब का सोलूशन इस यंत्र मंत्र कोर्स में आपको मिलेगा तो भरत सिंह जी ने पे कर दिया है थैंक यू भरत यू आर द फर्स्ट वन टू डू दिस टूडे एंड थैंक यू एंड वेलकम टू दिस कोर्स तो भरत जी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके कदम आगे बढ़ गए हैं बहुत सारी शुभ कामनाएं आपको आपके घर में ये यंत्र मंत्र हर तरह की रिद्धि सिद्धि लेके आए शुभ लाभ लेके आए ऐसी मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं देखिए कोई कोई कोर्स आप पैसा कमाने के लिए करते हैं और कोई कोई कोर्स आप दूसरों के लिए करते हैं पैसा चार्ज करना मेरा बनता है और जो गुरु मुझे कहते हैं कि ये फीस लेनी है मैं वही फीस ले लेती हूँ लेकिन इस कोर्स में मैं आपके घर में अवनडेंस लेके आने मैं मोबाइल निमोलॉजी करती हूँ मैं नेम निजी करती हूँ मैं जीरो टू हीरो करती हूँ जो मैं थोड़ा सा कमर्शियल सोच सकती हूँ बट ये बहुत स्पिरिचुअल है तो जो लोग करना चाहते हैं फटाफट फ़ड़ से पेमेंट कर दीजिए बिकॉज आई हैव ओनली टू थ्री मिनट फॉर दिस टू थ्री मिनट फॉर दिस तो जो लोग करेंगे वो आ जाइए प्रीमियम मेंबर आप इसका पार्ट हैं आप इसका पार्ट हैं आप इसे करेंगे आप, आप अभी तक मेरे साथ दो साल के लिए जो कमिटेड हैं मेरी प्रीमियम मेंबरशिप में बताए गए हर कोर्स को आप मेरे साथ करेंगे यू डोंट नीड टू पे अगेन ठीक है सो so और कौन पेमेंट करना चाहते हैं जल्दी जल्दी से कर दीजिए जिन्होंने मुझे डायरेक्ट लिखा है कि वो अभी कर देंगे तो वो भी कर दीजिएगा क्योंकि बात आपके लिए ही है क्योंकि अगर आप कर देते हैं तो मुझे आपको सामान बताना है आज आप लोगों को रात को ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आप लोगों को क्या मंगा के रखना है और वो सामान बहुत सस्ता है जी शिविका आपकी अमाउंट मिल चुका है पोटली का आप बिल्कुल मत घबराइए मेरे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है कि पोटली किन किन के नाम से रेडी हो रही है सो पोटली क्या है आप लोग अगर एक्साइटेड हो रहे हैं तो दिवाली धनलक्ष्मी पोटली बना रही हूं मैं उसमें मैं बहुत सारी चीजें डाल के उसे फर्स्ट नवरात्रे से चार्ज कर रही थी वो बन जाएगा हाँ जी इसकी वीडियो आपको अवेलेबल होगी इसका कोर्स का कंटेंट आपको अवेलेबल होगा पीडीएफ मिलेगा लेकिन पीडीएफ आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे आप कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ऑस्पिशियस और बहुत ही सीक्रेटिव जानकारी है उसमें वो आप कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आपको रिकॉर्डिंग पूरी प्रोवाइड की जाएगी तो ये कुछ सिक्रेटिव सी इसमें यंत्र मंत्र होंगे जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे ताकि जब आप बनाएं तो आपके सामने पीडीएफ हो ठीक है सो डोंट मिस दिस दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोर्स प्रतिभा जैन जी लिख रहे हैं वेरी वेरी नाइस कोर्स दिस प्लीज एवरी वन डोंट मिस दिस कोर्स आई हैव डन विद मैम दैट्स रियली वेरी वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू सो यस मैम और कोई करना चाहता है इसकी पेमेंट तो आज मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अब मुझे लगता है यंत्र मंत्र की सिद्धि भी सबकी किस्मत में नहीं होती वो उसी की किस्मत में होती है जो उसके लिए एफर्ट कर देता है श्री यंत्र सबको अपनी लाइफ में नहीं बुलाता मां लक्ष्मी की ये चीज यू you नो know, अट्रैक्ट करती है जैसे हम चूज करते हैं ना श्री यंत्र भी चूज करता है आपको आपको श्री यंत्र भी चूज करता है हम चूज करते हैं किसी चीज को वैसे ही ये किया जाता है रीना जी लिंक ऊपर है और मैं फिर से टीम को कहती हूँ लिंक पे डाल दें एक बार फिर से टीम रिक्वेस्ट है कि टीम लिंक डाल दीजिए तो जो लोग भी आना चाहते हैं आ जाइए इस कोर्स को कर लीजिए और इसके बाद नाइन सिक्स फोर डबल थ्री फाइव थ्री सेवन थ्री सेवन पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट से हम आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे जहां हमने आपको सामान के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो ठीक है सुषमा जी ने भी पे कर दिया है थैंक यू सुषमा जी और मेरे पास तीन मैसेजेस और हैं डायरेक्ट में दे हैव पेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड आप लोग जो भी पे करना चाहते हैं जल्दी से पे कर दीजिए ताकि मैं फाइनल रेमेडी आपको दे पाऊं फटाफट -फड़ से दो तीन मिनट का टाइम है जो लोग पे करना चाहते हैं फटाफट -फड़ से पे कर दीजिए जी तो ग्रेट जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे लिखा है कि मजबूरी के कारण सुबह पे करेंगे ओके okay, फाइन है क्या कि हम अभी सामान बताएंगे आपको तो आप अभी ऑर्डर कर पाएंगे ठीक है तो यंत्र मंत्रा का ये कोर्स बहुत ऑस्पिशियसनेस है इसमें और मैं चीज ये बोलती हूं मुझे ऐसा फील होता है इतने सालों में ओकल्ट में रहने के बाद इतनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बाद कि चीजें आपको चूज करती हैं भगवान आपको चूज करते हैं ये यंत्र मंत्र आपको चूज करते हैं आप नहीं उन्हें चूज कर पाते तो आप मुझे मालूम है ये पेमेंट वही लोग करेंगे जिन्हें ये इन चीजों ने चूज करना है जी 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 बिल्कुल ठीक है सो थैंक यू एवरीवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो लोग भी करना चाहते हैं वो जल्दी से पेमेंट कर दीजिए आपके पास नेक्स्ट वन मन वन मिनट है मैं वन मिनट बाद आपको फाइनल रेमेडी दे दूंगी सो वन मिनट लेफ्ट सो आप सोचिए कि एक मिनट आपके पास बचा है जो लोग भी करना चाहते हैं फटाफट फड़ से पे कर दीजिए फटाफट फड़ से भरत सिंह जी अभी कोई क्वेश्चन नहीं आपका जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में डालिए मैं वहां आंसर करूंगी तो जो लोग डायरेक्ट मैसेज लिख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इधर लिखिए चैट बॉक्स में ताकि सबको पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं ठीक है जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरी आज बहुत सारे लोग तो मेरे प्रीमियम मेंबर्स ही मुझे यहां दिख रहे हैं आयुषी जैन योगेंद्र राय नीरज जी पूर्णिमा रुचिका so many people and uh, yes make it morning संतोष जी सुबह पेमेंट करेंगे ओके okay, फाइन जी और भी जिन्होंने मुझे लिखा है कि वो सुबह पेमेंट करेंगे डायरेक्ट में लिख दीजिए जी श्योर संतोष जी आपको होना है मेरे को तो पता है मैंने तो सिखाना ही है और मेरे को पता है कि इस कोर्स ने आपके जीवन में क्या चेंज लेके आना है लेकिन सिखाया है, ये दिवाली पे ही जाता है जितने भी मेरे प्रीमियर मेंबर्स है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोर्स आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये दोबारा दोबारा एक साल बाद कराऊंगी मैं लाइव रिकॉर्डेड तो आपको मिल जाएगा लेकिन लाइव करने का मजा कुछ और होता है ना तो लाइव कीजिएगा मेरे साथ मिस मत कीजिएगा इस चांस को तो जो लोग और पेमेंट करना चाहते हैं चलिए फाइनल कॉल अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक और अमेजिंग रेमेडी अगर किसी को ऐसा लगता है उनके हस्बैंड या वाइफ दोनों में से मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ करवा चौथ का दिन दोनों के त्योहार का दिन है ये बात और है कि हम वाइफ ज्यादा पैसे खर्च कर लेती हैं और उन विचारों के लिए कुछ लाती भी नहीं है लेकिन हम लोग तो हर तो दोनों का है ना तो अगर हस्बैंड और वाइफ थैंक यू थैंक यू मैम आई विल बी ऑन द फ्लाइट दैट टाइम कौन नीतू कोई बात नहीं नीतू तो रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा ठीक है एंड रीना पेमेंट कर दी है इन्होंने भी थैंक यू सो मच रीना जी एंड मोस्ट वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल फैमिली वेयर यू विल बी अमेज टू सी हाउ पीपल आर वर्किंग फॉर एवरी सबसे खूबसूरत बात है सबसे मुझे इतना इतना लव एंड इफेक्शन आता है अपने प्रीमियम मेंबर्स के ग्रुप में जहां पे आज ही कुमार विशाल जी ऐड हुए और कुमार विशाल जी ने अपना नाम डाला तो सब लोग लग पड़े उनकी हेल्प करने मैंने कहा कर लीजिए सब हेल्प जब थक जाएंगे तो मैं देखूंगी क्या ठीक है लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि सब लोगों ने दोनों हाथ खोल कर उन्हें वेलकम किया ग्रुप में सो जब भी कोई नया ग्रुप में एड होता है तो वेलकम जरूर कीजिए ठीक है जी बहुत बढ़िया चलिए चेक कर लेंगे रीना जी आपको अभी मैसेज आ जाएगा कि रिसीव ठीक है जी आप मेरे पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए नाइन सिक्स फोर डबल थ्री फाइव थ्री सेवन थ्री सेवन जी बिल्कुल पायल जी अमाउंट है थर्टी टू हंड्रेड रुपीज जस्ट थर्टी टू हंड्रेड रुपीज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज आई थिंक आई थिंक घर के कारपेट भी आजकल हम हम क्लीन करा लें तो इससे ज्यादा पैसे दे देते हैं ठीक है ना ये छोटा सा अमाउंट है और इतने बड़ी सिद्धि वाली चीजें आप सीखने वाले हैं हमने तो कहा आठ आठ दस दस घंटे इसकी सिद्धियां कराई जाती थी तो आप लोगों को तो मैं तीन घंटे में सिखाऊंगी फर्स्ट डे ढाई घंटे इस तरह से जितना भी समय लगेगा आई विल नॉट आई विल नॉट सी टाइम आई विल सी हाउ मच आई एम एबल टू डिलीवर इट ठीक है थर्टी टू हंड्रेड रुपीज जो भी पे करना चाहते हैं चलिए एक लाल रंग का कागज लीजिएगा अगर लाल रंग का कागज छोटा सा मिल जाए कल के दिन खरीद लीजिएगा भाई इतना छोटा सा कागज आप खरीद लीजिएगा अगर घर में नहीं है उस पर पे गोल्डन पेन से अपना और हस्बैंड का नाम लिखेगा अब अगर वाइफ लिख रही है तो वाइफ अपना नाम ऊपर लिखेगी हस्बैंड का नाम नीचे लिखेगी अगर हस्बैंड लिख रहे हैं तो वाइफ का नाम अपना नाम ऊपर लिखेंगे वाइफ का नाम नीचे लिखेंगे ये रूल करना है आपको लाल रंग के कागज पे गोल्डन पेन से दोनों का नाम लिख दिया आपने गोल्डन हो सिल्वर हो दोनों चलेंगे चमकदार चाहिए चमकदार चाहिए चाहे गोल्डन है चाहे सिल्वर है अब आपने लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है उसमें दो गोमती चक्र डालने हैं गोमती चक्र आप सब लोगों को पता है ना क्या होते हैं गोमती चक्र और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और उस कागज को फोल्ड करके लाल कपड़े में बांध दीजिए क्या क्या बांधेंगे वो पर्ची जिसमें आपने दोनों का नाम लिखा है दो गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली सरसों इसकी पोटली बनाइए धागे से बांध दीजिए और अपने घर की अलमीरा में छुपा दीजिए इसे आप भी ना देखें कम से कम देखें ठीक है आप भी ना देखें कोई तो देखे ही ना ये तो अलाउड ही नहीं है आप भी ना देखें अगर वाइफ ने बनाई है तो हस्बैंड भी ना देखे और वाइफ खुद भी उसे बार बार ना देखें और अगर हस्बैंड ने बनाई है तो हस्बैंड भी ऐसी जगह छुपाएं जहां वाइफ ना देखे वैसे वाइफ ढूंढ लेगी हस्बैंड बेचारे नहीं ढूंढ लेते वाइफ ढूंढ लेगी क्योंकि हमें हमारे यहां साफ करने की जी गोमती चक्र मीनाक्षी जी यू जस्ट टाइप ऑन गूगल गोल रुकी एक मैं दिखा देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बिकॉज दे आर ऑलवेज कैप्टन इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड दीज आर नॉन एस गोमती चक्र मैं उसको पिन कर रही हूँ सब लोग देख लीजिएगा दीज आर नोन चक्र ये मेरे पास बड़े साइज के हैं बहुत कम रेयर मिलते हैं लेकिन इसमें साइज छोटा भी आता है तो आप छोटा भी ले सकते हैं कोई इश्यू नहीं है पीली सरसों जस्ट थोड़ी सी इतनी जरा सी ठीक है वो ले लीजिए बांध के पोटली को छुपा के रख दीजिए अगला करवा चौथ आएगा अगर याद आ जाए तो उस पोटली को परवाह कर दीजिएगा और नहीं बना लीजिएगा और अपने रिलेशनशिप में आए हुए चेंज को देखिएगा मीनाक्षी ये हर पूजा की शॉप में मिलता है हर एक पूजा के शॉप में दीज आर वेरी चीप टेन रुपीस फिफ्टीन रुपीस पर पीस अगर नहीं कल गोमती चक्र मिल रहे हैं ना नहीं मिल रहे हैं वैसे गोमती चक्र का ये रेमेडी है तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट लाल रंग के कपड़े में लौंग और पीली सरसों डाल के ही रख दीजिएगा क्योंकि लौंग भी अगर लौंग नहीं डाल सकते तो वो होती है ना हरी इलायची खुशबू वाली वो डाल दीजिएगा तो गुमती चक्र अवेलेबल नहीं है तो किसके टाई करूं मतलब किससे टाई करूं लाल मोली का धागा जो हम पूजा में बांधते हैं अपने हाथ में उससे बांध दीजिए ठीक है भूल गए तो भूल गए घर में पड़ी है कुछ नेगेटिव नहीं करेगी पन्ना जी हम भूलने वालों में से है दिवाली पे हमने सफाइया करनी है वो हमें सामने दिख जानी और हस्बैंड तो जितना मर्जी छुपा ले वाइफ की छुपाई हुई शायद ना ढूंढ पाए लेकिन हस्बैंड की छुपाई हुई वाइफ ढूंढ लेगी जी हां जी एक्टिवेटेड येलो सरसो यूज कर सकते हैं कबड में रखना है यस कबड में रखना है कबड के ड्रॉज में रखिए कबड में कहीं छुपाइए कबड में ऊपर जगह होती है जहां भी छुपाइए जहां आपके पार्टनर को नाम मिले हस्बैंड का छुपाया हुआ वाइफ को ना मिले वाइफ का छुपाया हुआ हस्बैंड का नाम मिले अर्ली मैरिज के लिए कल के दिन जो भी लोग हैं कल के दिन ये शिवरात्रि पे भी मैंने बताया था और इनकी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे कल के दिन जिनको शादी जल्दी करनी है तो शिवलिंग पे वो शिव शक्ति वाला दिया जो मैंने बताया है दो बाती वाला श्रृंगार का सामान माता पार्वती को और एक उसके साथ साथ एक मंगल सूत्र नकली वाला जो मिलता है हंड्रेड रुपीज फिफ्टी रुपीज वाला वो भी चढ़ा के आएंगे एंड विद द इंटेंशन जिस तरह से मैंने मंगल सूत्र आपको ऑफर किया है आई वॉन्ट द मंगल सूत्र यू नो अगर बॉय कर रहा है तो वो ये कह सकते हैं कि मैं भी शादी करना चाहता हूं ठीक है मैं कौन कौन सी रेमेडी बार बार रिपीट करूं ये मंत्र आपको क्लास में सीखने को मिलेगा अर्ली मैरिज का मंत्र यंत्र भी है और मंत्र भी है वो क्लास में सीखने को मिलेगा रेमेडी ये मैंने आपको बता दी है क्योंकि यंत्र मंत्र ऐसे नहीं बताए जाते ठीक है जी दो गोमती चक्र टू कपल है ना हर चीज का लॉजिक दूंगी कपल है ना दो जो भी चीज रखेंगे दो रखेंगे ठीक है शशि जी कोई बात नहीं पेमेंट फेल है आप बस अपना इंटेंशन दे दीजिए आप करना चाहते हैं आपका नाम ऐड कर लिया जाएगा ठीक है ताकि आपको सामान बता दिया जाए ठीक है मैं दिखाई नहीं दे रही मैं विजिबल हूँ दिव्या मैं विजिबल हूं यस मैं कहा खुलझा सिम सिम तोड़ना हो क्या मैं चली गई गाइड चलिए थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है क्योंकि वनना जी ऑन स्क्रीन क्या बात है अन्ना जी ये कैसे हुआ चलिए कोई बात नहीं सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्कशॉप एंजॉय कीजिए अपने करवा चौथ को और अपने जीवन में खूब सारी ब्लेसिंग्स खूब सारा प्यार खूब सारी टुगेदरनेस खूब सारा लव रोमांस अट्रैक्शन बनाए रखिए क्योंकि जीवन जीने का नाम है जी लीजिए हर जगह भी कोई कुछ कह भी देता है तो इग्नोर कीजिए सोच लीजिए हम इनसे ज्यादा समझदार हैं ठीक है ठीके? और कल के दिन बिल्कुल मत लड़िएगा बिल्कुल मत लड़िएगा कल के दिन अपने प्रेम को बनाए रखिए और अपनी शादी की एल्बम की एक फोटो निकाल के अपने टेबल पे जरूर रखिएगा या अपने हनीमून की और देखिए कि एक मैजिक सा कैसे क्रिएट होता है और जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा उस पिक्चर को देखकर ठीक है थैंक यू नमिता थैंक यू सो मच थैंक यू हैप्पी करवा चौथ टू ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल में ये करवा चौथ का दिया आप सबके घर में सदैव जलता रहे आप सब लोग खुशियां खुशियों से अपने हस्बैंड वाइफ कपल बनकर अपनी बन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़े थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू हाँ शिविका दिखा दीजिए आद्या को बुरा लग सकता है दिखाइए शिविका मैं बंद करने लगी तो इन्होंने कहा आद्या दिखाना चाहती है दिखाइए सब लोग आद्या की मेहंदी देख लीजिए शी इज अ स्वीट लिटिल गर्ल हु हुओ वाओ 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 ग्रेट आद्या ग्रेट 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 बहुत ही बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू थैंक यू